नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, क्या भूत प्रेत इस पूरी दुनिया का जीना हराम कर सकते हैं? क्या भूत प्रेतों में इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया के हर व्यक्ति को परेशान कर सके? और हम मानवों को तो छोड़ो, पशुओं को भी सता सके? जितने भी लोग हैं इकट्ठे, इतने ज्यादा त्रस्त हो जाएं कि भूत प्रेतों का ही राज हो, क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम इंसानों के ऊपर भी किसी ना किसी तरीके की रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, हमारी भी लॉफुल ऑब्लिगेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हम पे भी रोक है, उसी तरीके से इनके ऊपर भी रोक होती है। अगर आज हम इंसानों की दुनिया में हमें कह दिया जाए कि कोई कानून नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी इंसान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, कोई भी किसी को भी मार काट देगा, कोई भी किसी के साथ गलत कर देगा। हमारे इस जीवन में कानून है, पुलिस है, इसी वजह से थोड़ी बहुत हमारे जीवन में एक महफूजियत, हम ये कह सकते हैं, एक सुरक्षा कह सकते हैं, है एक तरीके की, हमें शांति है, एक तरीके की संतुष्टि है कि आसानी से कोई हमारे साथ गलत नहीं करेगा। अगर गलत करता है तो हमारे पास उसका उपचार है, उसकी रेमेडी है, हम उस बंदे के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से प्रेतों की दुनिया में भी नियम कानून होते हैं जो उनको हर इंसान के साथ गलत करने से रोकते हैं। पर क्या हमारे मनुष्य जीवन के कानून इतने सार्थक रहे, इतने ताकतवर रहे कि वो हम मनुष्य को क्राइम करने से रोके? नहीं। फिर भी हमारे जीवन में हमने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं, आज हम हर जगह देख रहे हैं, कोई ना कोई क्राइम की इंसिडेंट आ ही जाता है, न्यूज में हम देखने को मिलता है। इसी तरीके से प्रेत योनि में भी रोक होने के बावजूद प्रेत इंसानों को सताते ही हैं, उनके ऊपर सवारी करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। पर सारी दुनिया के इंसान इस योनि के जीवों से, प्रेत जीवों से ग्रस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, जितने नियम कानून हमारे इस दुनिया में बने हैं, उससे कहीं ज्यादा नियम कानून प्रेतों की दुनिया में भी होते हैं। ये रोक उनको ईश्वर देता है, ईश्वर के दूत देते हैं, और इस रोक के माध्यम से उनको समझाया जाता है, उनको बांधा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि उनकी सीमाएं क्या हैं। मैंने पहले भी सीमाओं के बारे में बात करी थी, वो सीमाएं थी कहीं किसी भी हद तक जाने की, ये सीमा है कुछ भी एक्शन करने की, कुछ भी कर्म करने की सीमा। प्रेतों के भी नियम होते हैं, प्रेतों के भी कानून होते हैं, प्रेतों की भी सुनवाई होती है। प्रेतों की इस दुनिया में प्रेतों को भी कहा जाता है कि आप हर इंसान को नहीं सता सकते, हर पशु को नहीं सता सकते। अगर प्रेतों के ऊपर कोई रोक नहीं होगी, कोई नियम कानून नहीं होगा, तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा दोस्तों। क्योंकि प्रेत योनि ऐसी कमाल की योनि है, जितनी भी ऊपरी हवा होती है, ये खुद एक हवा है, और हवा में मिलके ऐसी स्पीड से कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी अपना बचाव कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह हवा के कण होते हैं, एक जगह से कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसी तरह ये भी हवा में पूरी तरह घुली हुई होती है और कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी का भी बुला करके भाग सकती है। पर इनके भी ऊपर रोक होती है, वो रोक हमें नहीं दिखाई देती, इन्हें दिखाई देती, क्योंकि वो इनकी दुनिया की रोक होती है जो इन्हें ऐसे काम करने से रोकती है, किसी का बुरा करने से रोकती है, किसी के ऊपर सवारी करने से रोकती है, बिना वजह किसी को सताने से रोकती है। पर फिर भी उनमें से बहुत होते हैं जो किसी न किसी को सताते हैं, किसी न किसी पे चढ़ते हैं, जब भी हमें ऐसे पैरानॉर्मल केसेस देखने को मिलते हैं, और उनका इलाज भी होता है। उनको भी फिर जब कोई पकड़ा जाता है कि कोई किसी के शरीर में प्रेत है या कोई कैसे किसी को परेशान कर रहा है, तो इंसानों के पास भी रेमेडी होती है, जिसके माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से इनको रोका जाता है। इनको कुछ टाइम के लिए भी आप रोक सकते हैं, जब भी ये, अगर ये पता लग जाए कि किसी के शरीर में प्रेत है या उसके बारे में पता लग जाए,
तो कई तरीके से इनको रोका जा सकता है। कई तो होता है कि तांत्रिक होते हैं जो इनको बांध देते हैं, कई होते हैं जो इनको रोक देते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 5 साल 10 साल, कई होते हैं जो इनको हमेशा के लिए रोक देते हैं, हमेशा के लिए किसी जगह पर बांध के बिठा देते हैं, और कई होते हैं जो इनकी शक्ति तांत्रिक बिल्कुल क्षीण कर देते हैं कि ये वहां पड़े रहेंगे पर कुछ एक्शन नहीं कर पाएंगे, इनका किया हुआ एक्शन काम नहीं आएगा। इसी सब की फर्तर पड़ताड़ना से बचाने के लिए इनके ऊपर रोक लगाई जाती है, और वो रोक जितने भी देवदूत होते हैं, जितने भी भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, वो इन पे लगाते हैं, इनको चेताने के लिए, इनको बताने के लिए कि मानव को आप कमजोर मत समझो, क्योंकि आप भी कभी मानव थे, हालांकि आपके पास अब मानवीयता नहीं है, आप एक प्रेत हो, आत्मा हो। इसका मतलब ये मत सोचो कि इंसान कमजोर है। प्रेत जब अपनी दुनिया में विचरण करते हैं, जब जान जाते हैं संसार के नियमों के बारे में, संसार को, तो बहुत खुश होते हैं कि कितनी ज्यादा पावर्स है उनके पास जो इंसान के पास नहीं। मिनट में इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाओ, 10 द्वार हर इंसान के शरीर में प्रवेश करने के, मिनट में उसके साथ संभोग कर लो, मिनट में उसका दिया हुआ जो भी वो खा रहा है वो खा लो, मिनट में उसका दिमाग खराब कर दो, मन आया उसको मरवा दो, पर इतना आसान नहीं है। जब भी ऐसा कोई प्रेत ताकि ये सब करने की सोचता है, उसको रोका जाता है, उसे समझाया जाता है कि ये सब वो ना करे, ताकि वो प्रेत फर्दर कष्ट ना भोगे, क्योंकि एक बारी कोई प्रेत किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो वो इंसान भी चुप नहीं बैठेगा, और वो चुप है तो उसके घर वाले चुप नहीं बैठेंगे, और कहीं ना कहीं किसी को दिखाएंगे। अगर 10 तांत्रिक भी बुरे मिले, खराब मिले, 11वां 12वां कोई तो ढंग का मिलेगा जो उस पे सही तरीके से रेमेडी आजमा सकेगा, उस प्रेत को काबू कर सकेगा। वो अगर उस प्रेत को काबू कर लेता है तो वो उस प्रेत को अपना गुलाम बना लेगा, और उस प्रेत को हवा होते हुए भी गुलामी सहनी पड़ेगी, जो हवा कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। एक तो शरीर खो दिया, थोड़ी बहुत आजादी मिली ट्रेवल करने की, घूमने की, हवा की तरह पूरी तरह घुलने की एटमॉस्फेयर में, और वो भी रोक लग गई, बांध के बिठा दिया गया, तो उस सब और उसमें पड़ताड़ना और भी ज्यादा होती है, क्योंकि पहले ही आप कुछ पी नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो उस सब की फर्दर पड़ताड़ना से बचाने के लिए ही इनको चेताया जाता है, इनको बताया जाता है कि आप किसी के साथ गलत ना करो। साथ ही जब कोई भी तांत्रिक इन्हें काबू करता है तो वो इनको खाली बांध के कहीं नहीं बिठाता, इनको इनसे काम भी लेता है। मैक्सिमम तांत्रिक क्या करते हैं, किसी के ऊपर से ऊपरी उतारा और उस ऊपरी को, उस प्रेत को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो तो तांत्रिक ऐसे इतना जानते हैं, काबू करना जानते हैं, तो उस प्रेत को भी अपना गुलाम बना लेते हैं। जिस तरह प्रेत इंसान को मार के उसकी आत्मा को अपना गुलाम बनाता है, इस तरह जो तांत्रिक होते हैं वो प्रेतों को अपना गुलाम बनाते हैं, और जो भी प्रेत किसी के शरीर में आता है, और वो जब रोगी आता है किसी तांत्रिक के पास, तो उस प्रेत को शरीर में से निकाल के अपना गुलाम बनाना बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब वो ऐसा कार्य करते हैं तो उनकी तांत्रिकों की शक्ति बढ़ती जाती है, पर ये जो प्रेत है हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाता है उस तांत्रिक का, उसकी उंगलियों पर नाचता है। इस सब प्रताड़ना से बचाने के लिए इन प्रेतों को समझाया जाता है कि तुम अपनी प्रेत योनि में रहो, शांति से रहो, किसी भी मानव को तंग मत करो, किसी भी पशु को तंग मत करो, और तुम जाओ वहां विचरण करो, और अपना ये जो शेष समय है बिना शरीर के वो काटो, भगवान का ध्यान करो, ताकि तुम्हारी मुक्ति हो, इस योनि से मुक्ति हो। बहुत जो प्रेत समझ जाते हैं वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं समझते, जिनको घृणा रहती है, गुस्सा रहता है इसी बात का कि हमने शरीर खो दिया, खुंदक रहती है, जलन रहती है, जिस तरह हमारे आजकल इंसानों में है, क्योंकि है तो ये भी इंसान ही, शरीर ही तो नहीं है, तो वो उसी तरीके के कर्म करने, वही जो पहले जीवन में करते रहे करते रहते हैं, और एक किसी को सताया, दूसरे को सताया, तीसरे को सताया, वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो वही भगवान के घर दे रहे अंधेरनी, कभी ना कभी ऐसा सेवड़ा, ऐसा तांत्रिक जरूर मिल जाता है जो उस फैमिली को उन प्रेतों से निजात दिला देता है, और उस प्रेत को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है। क्योंकि छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं वो तो उतारा करते हैं, प्रेत भागता है फिर आ जाता है, क्योंकि स्वभाव से बहुत धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, बेवकूफ बनाने की आदत होती है। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी तांत्रिक अभिक्रम किया जाता है इनको हटाने के लिए, वहां से चुटके से निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जिस तरह चोर सोचता है मैं चोरी करता रहूंगा, भागता रहूंगा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इस तरह ये भी यही सोचते हैं।
अगर इन पे रोक ना हो दोस्तों, तो ये किसी को जीने ही ना दें, इन्हीं का राज हो, हर इंसान में के शरीर में चढ़ चढ़ के उसको कर दें पागल। करते हैं लोगों के साथ बुरा करते हैं, पर उस गति से, उस डोमिनेंस से नहीं कर सकते जितना ये चाहते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कानून ना हो तो अभी कत्लेआम मच जाएगा, हर कोई एक दूसरे को मारने शुरू कर देगा पैसे के लिए, दौलत के लिए। कानून है, पुलिस है, तो कुछ हद तक रोक है, कुछ हद तक डर है, लोगों में अंदर जाने का डर है। किसी की जगह पे कब्जा करते हो तो डर है कि बंदा पुलिस में चला जाएगा, किसी की जगह के ऊपर कुछ लगा देते हो एनक्रोच करने के लिए जगह को, तो डर है कि बंदा पुलिस में चला गया, FIR दर्ज करा दी, नोटिस भेज दिया कोर्ट का, तो तुम बेटा अंदर नहीं होगे तो मुकदमा तो चालू हो ही जाएगा, खाओ धक्के। इसी तरीके से जब इन पे जो रोक होती है, इनको भी इस हद तक इस चीज का डर बताया जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर सवार होते हो, किसी के ऊपर चढ़ते हो, किसी इंसान को सताते हो, तो वो इंसान चुप नहीं बैठेगा, उसके घर वाले पता लगा ही लेंगे आप बैठे हो उसके शरीर में, और वो किसी ना किसी सेवड़े के पास जरूर जाएंगे। और कोई ना कोई अगर तगड़ा सेवड़ा मिल गया, तगड़ा तांत्रिक मिल गया, या सही तांत्रिक मिल गया, जो तो आपकी खैर नहीं, जो समझ जाते हैं वो लोगों को नहीं सताते, जो नहीं समझते वो प्रेत योनि में भी इसी तरह धक्के खाते रहते हैं। पहले अपने जीवन में परेशान रहे, लोगों का बुरा किया, जलन के मारे लोगों को सताया, पैसे की लालच के मारे, फिर जब शरीर खो दिया उसके बाद लालच के मारे लोगों के शरीर पर कब्जा किया। जीवन में जीवित थे तो जमीनें कब्जा करते थे, मर गए तो शरीर कब्जा कर रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, जिस्म की भूख के लिए। और बाद में अपने जब किसी सेवड़े के कब्जे में आ जाते हैं, तो वो 20 साल 30 साल 50 साल अपने आराम से गुलाम बन के उसका काम करते हैं। और ये सेवड़े तो इतने तांत्रिक, तो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इन प्रेतों को ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं देते हैं कि प्रेत भी एक मिनट के लिए जान जाता है कि इंसान की ताकत क्या है। पहले ये जो कॉन्सेप्ट शुरू में भी दिखाया जाता था टीवी वगैरह में कि भूत में ही ताकत होती है, इंसान में कुछ, इंसान से ज्यादा खतरनाक जीव इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैंने 7 साल पैरानॉर्मल रिसर्च करी है और अभी तक मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि कभी मैंने इसको कम्प्लीटली इस चीज में मैं नहीं उतरा, क्योंकि मेरे और भी प्रोफेशंस थे, और भी मेरे काम धंधे थे, पर जब भी मैंने इस चीज को देखा, एक्सपीरियंसेस करे, अपने सामने पोजेशन देखे, एक्सोर्सिज्म देखे, पेशेंट्स देखे, उनमें बोलते हुए प्रेत देखे, तब अच्छे अच्छे प्रेत की जो हेकड़ी है वो निकलते हुए देखी। जब मैंने अपने जितने भी केसेस अपने गुरुजी के साथ करे और पर्सनल उससे करे, मतलब कितना ही कोई प्रेत ताकतवर बन ले, पर अगर कोई तांत्रिक, कोई सेवड़ा, कोई अच्छा है, ऑनेस्ट है, और उस वाकई में जन कल्याण करना चाहता है और वाकई में भला करना चाहता है, और उसके पास सिद्धियां हैं, पावर है, तो प्रेतों को रुला देते हैं, तब प्रेत और भी ज्यादा तड़पता है। सिर्फ इन्हीं सब प्रताड़नाओं से बचाने के लिए इनके ऊपर रोक है, इनके भले के लिए रोक है, पर हर कोई प्रेत नहीं समझता, जिस तरह हम इंसान नहीं समझते कि भाई गलत काम मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की जमीन मत कब्जाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी से लालच से वशीभूत होके, जलन से वशीभूत होके किसी का बुरा मत करो, भगवान से डरो। ये जो इंसान भगवान से इस दुनिया में नहीं डरते, वो शरीर छोड़ने के बाद जब प्रेत बनते हैं तो सोचते हैं अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, जब हम इंसान थे तब हम नहीं डरे, पर जब इनका बिगाड़ना शुरू होता है ना, तब इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है दोस्तों। इंसान को, अगर कोई भी इंसान को आप पकड़ के डाल दोगे जेल में, उसने गलत किया, आपने पकड़ पुलिस में दे दिया, केस किया, उसको जेल में करवा दी, उसके घर वाले अपील करेंगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो मर्सी पटिशन देंगे। पर अगर कोई प्रेत किसी सेवड़े के कब्जे में आ जाए, वो सेवड़ा उसे गुलाम बना के रख ले या बांध के रख ले, वो कहीं अपील नहीं कर सकता।
वो कहीं पुकार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई उसको सुनने वाला उसकी मदद करने के लिए इस तरीके से जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उस तरीके से व्यवस्था उधर नहीं दी जाती। उधर खाली चेतावनियां दी जाती है, उधर खाली रूल्स बताए जाते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, और उधर भी बहुत तरीके के ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे प्रयोजन हैं, ऐसी 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 कमाल की दुनिया है वो, कि जीते जी इंसान अगर वो दुनिया देख ले ना, सारा लालच, सारी भूख, सारे मतलबीपना, जलन, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे का बुरा करना, सब 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 चीज छोड़ देगा। मैं जब टीनेजर था मेरी सोच आम लड़कों की तरह थी, और मैंने पढ़ाई भी बहुत की, पर जब मैं इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आया, क्योंकि आना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं बचपन से इन चीजों को देख सकता था, और जब भी मुझे दिखाई देती थी मुझे बहुत जो है क्या कहते डर लगता था, अजीब फील होता था, और मैं बहुत रोता था जब छोटा था कि भाई ये जब चीजें दिखती थी तो मुझे घबराहट होती थी। तो जहां भी मैंने दिखाया उन्होंने ये कहा कि भाई आपको ये भगवान ने ये गिफ्ट दिया है, ये नेचुरल है, आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं चले जाओ आप बच नहीं सकते इस चीज से, अगर आपको जो जो भगवान ने दिया ये उसी की मर्जी है। जब मैंने इसकी स्टडी करनी शुरू करी और पूरा इसका जो है सीखा किस तरीके से सब होता है, सब कुछ जाना क्या कुछ ही होता है, हर तरीके का लालच खत्म हो गया, हर तरीके की जलन खत्म हो गई, हर तरीके का किसी के प्रति नफरत खत्म हो गई। अगर आज कोई मेरे साथ बुरा भी करता है ना, कोई मेरी बेइज्जती करता है, नुकसान करता है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को इस हद तक मलिन कर रहे हैं कि उनकी आत्मा की गुंजाइश अपलिफ्टमेंट की, हायर लेवल जाने की खत्म हो जाएगी। और इस सत्य को मैं जान गया हूं कि इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक हम कितना इतरा लें, लोगों के साथ बुरा कर लें, शरीर नष्ट होने के बाद असलियत पता लगती है, क्योंकि जो अगला जन्म होने से पहले जो पीरियड है प्रेत योनि का, वही अपने आप में इतना जो है एक लेसन है जो भगवान देते हैं आपको बताने के लिए कि क्या है दुनिया और क्या हो तुम, किस लिए तुम आए थे, जो जिस शरीर को तुम्हें दिया गया था, सौंपा गया था, इसलिए सौंपा गया था, जो करने के लिए सौंपा गया था तुमने नहीं किया, तो आज उस बिना शरीर के तुम खुद देखो कि कीमत क्या थी उसकी जो तुमने कुछ नहीं जानी। तो दोस्तों कभी भी कोई भी चीज हो, कोई भी स्पिरिट है, कोई भी चीज है, इंसान ही क्यों नहीं है, कोई भी जना है, कभी भी अति नहीं कर सकता। आप कोई नेता जो है वोट देते हो, अगर वो नेता आपके साथ बुरा कर रहा है, पब्लिक का बुरा कर रहा है, कुछ हद तक करेगा, जब वो अति पार कर देगा तो पब्लिक भी उखाड़ के फेंक देगी। अगर कोई दुष्ट भी है, कोई आताताई भी है, कोई आपका पड़ोसी है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका हक मार रहा है, आपकी जगह कब्जा रहा है, आपको किसी भी तरीके से तंग कर रहा है, तो एक हद तक ही करेगा, एक लिमिट तक करेगा। जब वो लिमिट पार कर देगा तो आपकी भी जो अंदर की धैर्य है वो जवाब दे जाएगी, तब आप भी एक्शन लोगे ही लोगे, वो उसको भी पता है। इसी तरह कोई भी जना है, कोई भी गुंडा है, वो बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, उसका उसकी भी अति है, उसका भी कहीं ना कहीं एंड है। तो कोई भी आता था ये, कोई भी बुरा है, तो वो अपनी जितनी भी उसकी जो है क्या कहते हैं अंदर की गंदगी है, एक लिमिट तक ही निकाल सकता है। जब वो लिमिट से बाहर हो जाएगा तो उसको भी पता है कि उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्रेत जब अपनी लिमिट पार कर देते हैं या लिमिट पार करने लगेंगे तो इनका खेल भी खत्म है। अगर आज आपको मेरी आज की बात पसंद आई हो प्रेतों के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सुनाइए। मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला, आपका दोस्त।